एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख सकते हैं मुझे ढेर सारे पिंक सूटकेसेस के साथ यहाँ पे। सो ये पिंक सूटकेसेस हम लेके गए थे कश्मीर एंड दिस क्यूट। हाँ, बट अभी फिलहाल मुझे बिल्कुल भी क्यूट नहीं लग रहे, बिकॉज आई हैव टू अनपैक द होल थिंग। लेकिन अनपैकिंग से पहले मैं चाहती थी कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं अबाउट ट्रैवलिंग टू कश्मीर विद अ किड। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने छोटे बच्चों के साथ, टॉडलर्स के साथ भी कश्मीर में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। व्हाट आर द थिंग्स यू शुड बी पैकिंग, व्हाट आर द फूड आइटम्स दैट यू शुड बी कैरिंग विद योर सेल्फ। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट मी टेक यू इनटू द व्लॉग। Alright, so please excuse the clutter that you see in my background, क्योंकि मैं unpacking कर रही हूँ। But इससे पहले कि मैं पूरी unpacking कर लूँ, मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को कुछ important information दे दूँ। So सबसे पहले सबसे important चीज़ के बारे में बात करते हैं कि कश्मीर जाने का with kids, what which is the appropriate season, summers में जाना चाहिए या winters में जाना चाहिए। हम winters में गए थे, which is Feb end to March, और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं और आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आपने विंटर्स फेस नहीं करी, जैसे कि साउथ या बैंगलोर एटसेट्रा, तो शायद आपको कश्मीर जाके थोड़ी सी चैलेंजेस हो सकती है। अगर आपका टॉलरेंस पावर ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। बट मेरे ख्याल से सजेस्टेड ये है कि अगर आप बिल्कुल कोल्ड को लेके बहुत सेंसिटिव है तो आप समर्स में भी विजिट कर सकते हैं। समर्स इज ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम टू विजिट कश्मीर, क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है, फ्लावर गार्डन्स खुल जाते हैं। कैरिंग एनफ लेयरिंग फॉर यू एंड योर किड, और लेयरिंग से मेरा मतलब है आपका पहला लेयर होना चाहिए बॉडी वार्मर्स, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं अपनी डॉटर के लिए ऐसे वार्मर सेट्स लेके गई थी टॉप एंड बॉटम का। I don't know if the bottom here right now. ये bottom है, is the kind of set. मैंने ऐसे कम से कम 5-6 sets मैंने उसके लिए लिए थे। हम यहाँ भी डेली में भी use करते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। And I think ये बहुत important है कि अपने बच्चों को warmers पहनाएं अगर आप winters में जा रहे हैं। अलावा full t-shirts cotton वाले रखें, because आप सिर्फ sweater के ऊपर sweater नहीं पहना पाएंगे, ऐसे layers नहीं बना पाएंगे। So उसके अलावा मेरा जो नेक्स्ट लेयर होता था वो वार्म टी शर्ट्स होते थे। सो आई वॉज कैरिंग वार्म टी शर्ट्स लाइक दीज डॉटर, वहाँ पे ड्रेसेस पहनने का कोई स्कोप नहीं होता है। आई वुड सजेस्ट यू टू स्किप दोज फ्लोरल ड्रेसेस एटसेट्रा, ट्राउजर और टॉप ही सबसे सही रहता है, बिकॉज यू गॉट टू गेट योर किड एंड योर सेल्फ कम्प्लीटली कवर्ड। उसके अलावा मैंने ऐसे ट्रैक पैंट्स लिए थे जो कि ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही सूटेबल थे। इट्स वेरी कम्फर्टेबल, जीन्स नॉर्मली स्टमक में उनके टाइट होती है, एंड वेन यू आर गोइंग टू कश्मीर आप एक से दूसरे प्लेस पे गाड़ी से ट्रैवल करेंगे, द जर्नी कैन बी एज लॉन्ग एज 3 hours, तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। सो दिस इज व्हाट आई वाज कैरिंग। उसके अलावा मैं कोशिश करती थी कि मैं उसको कोई स्वेटर पहना दूं, जैसे कि एक ये स्वेटर मैं लेके गई थी। दीज कैन बी रिपीटेड ऑल्सो, इसलिए आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको पैक करके ही रखे। दिस इज द वन जैकेट लाइक दिस। माई नेक्स्ट टिप इज यू मस्ट कैरी सम स्नैक्स। वहाँ का खाना बहुत स्पाइसी होता है, जो लोग स्पाइस नहीं खाते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हमें स्पेशली कुछ प्लेसेस में हमने बहुत स्पाइसी फूड खाया और मेरी डॉटर, यू नो, शी रिफ्यूज टू टेक इट। लकीली हमने एनफ स्नैक्स पैक किया था रास्ते के लिए, और घर से होममेड स्नैक्स जैसे कि मखाने और पफ्ड राइस एटसेट्रा हम लेके गए थे, बहुत काम आते हैं ये सारी चीजें। अपने बच्चे के लिए आप जरूर पैक करें जाने से पहले। में ज्यादातर प्लेसेस, ज्यादातर होटल और रिसोर्ट्स में ये नोटिस किया कि वहाँ पे पानी गर्म करने के लिए केटल्स अवेलेबल नहीं थे, इलेक्ट्रिक केटल्स। तो आप या तो थर्मल बॉटल्स लेके जाएं जिसमें पानी थोड़ी देर गर्म रहे, या फिर आप इलेक्ट्रिक केटल, अगर आपके पास इतना स्पेस है तो आप कैरी कर सकते हैं। हमने दो वार्म थर्मल बॉटल्स कैरी किए थे और वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल था। हमें भी वहाँ पे गर्म पानी ही पीना होता था बिकॉज इट वॉज रियली रियली कोल्ड देयर। नेक्स्ट टिप, वहाँ बहुत ड्राई होगी आपकी स्किन, आपको सनस्क्रीन प्लस बॉडी मॉइस्चराइजर प्लस फेस मॉइस्चराइजर रखना पड़ेगा, अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए भी। ट्रीज वगैरह वहाँ पे बहुत कम थे जबकि हम बहुत ही अच्छे होटल्स में रुके थे।
तो आप कोशिश करें कि अपनी अच्छी टॉयलेट्रीज, गुड क्वालिटी टॉयलेट्रीज जैसे कि सोप्स एंड हैंड वॉश, फेस वॉश एक्सेट्रा कैरी कर लें अपने साथ ऑफ द ट्रिप. ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पूरी कश्मीर को भी घूमना चाहते हैं तो 7 से ज़्यादा दिन आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है. 7 days के अंदर आप ऑलमोस्ट सारे प्लेसेस कर सकते हो, कवर कर सकते हो और बहुत कंफर्टेबली हर जगह रुकते रुकते जा सकते हो. हमने कवर किया था फर्स्ट डे वी वर इन श्रीनगर और फर्स्ट 2 days वी वर इन श्रीनगर. नेक्स्ट डे वी वेंट टू फर्स्ट डे वी वर इन श्रीनगर एंड देन वी ऑल्सो कवर्ड सोनमर्ग. देन वी वेंट टू गुलमर्ग फॉर 2 days and 2 nights एंड आफ्टर दैट वी वेंट टू पहलगांव एंड आफ्टर ऑन द लास्ट डे वी स्टेड ऑन द बोट हाउस. कश्मीर कैन बी वेरी टेम्पटिंग बट बहुत हड़बड़ा के वहाँ की चीजें ना खरीदे क्योंकि बहुत कॉस्टली होती है. खरीदे जरूर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको चीजें नहीं लेनी चाहिए बिकॉज दीज पीपल आर वेरी वार्म एंड वेरी हार्ड वर्किंग और उनके इनकम का सोर्स ही यही है. तो मैं वहाँ पे शॉपिंग आप इनकरेज करती हूँ. हमने वहाँ से एक सलवार कमीज ली थी एंड दैट वॉज ब्यूटिफुल पीस. आई थिंक सलवार कमीज के लिए जो कढ़ाई का काम होता है उसके शॉल्स के लिए दैट्स एन अमेजिंग प्लेस. पहले से प्लान करके जाएं कि आपको शॉपिंग में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें लेनी है और आप वो चीजें वहां से ले सकते हैं. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड टेक केयर वाइल गोइंग टू कश्मीर. जब आप एयरपोर्ट पे जाएं मेक श्योर कि आप अपनी पूरी वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट्स अपने साथ रेडी रखें क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी लाइन रहती है. यू हैव टू मेक श्योर कि एयरपोर्ट पे आप अपनी सर्टिफिकेट दिखाएं एंड देन दे गिव यू दिस, वो हाथ पे एक मोहर लगाते हैं जिसके बाद ही आपकी एंट्री होती है कश्मीर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स एब्सोल्युटली सेफ टू ट्रैवल देयर. मैंने देखा गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स है. हालांकि थोड़ा बहुत रिस्क होता ही है वहाँ पे, स्पेशली वेन यू आर इन द स्नो एरियाज. अगर बहुत ज़्यादा स्नो हो रहा हो तो सही टाइम पे वहाँ से निकल लेना ही समझदारी है बिकॉज वेन वी वर कमिंग बैक फ्रॉम देयर, लकीली हम बिल्कुल टाइम पे निकल रहे थे. गाड़ियाँ स्किड कर रही थी रास्ते से गुलमर्ग से वापस आते समय, सो बी केयरफुल. और हाँ, थोड़ी बहुत चैलेंजेस है वहाँ पर जो कि गवर्नमेंट अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही है एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद द वे एवरीथिंग टर्नड आउट देयर. So do I recommend you to travel with your kids and toddlers over there? Yes, definitely. But कुछ चीज़ें आप ध्यान रखें. वहाँ जो स्लेजिंग होती है वो आपके छोटे बच्चों के लिए नहीं है. सोनमर्ग में जो पहाड़ है वो बिल्कुल एजी है और बहुत ही मुश्किल होता है बच्चों के लिए वहाँ पे जाना, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट यूज टू वॉक इन स्नो. 2-4 दिन के बाद आपको भी आदत हो जाती है स्नो में चलने की, लेकिन जब आप इनिशियली जाते हो वहाँ पे बहुत बर्फीली हवा चल रही होती है तो छोटे बच्चों के लिए मेरे ख्याल से दैट्स नॉट अ आइडियल प्लेस टू विजिट. आप सोनमर्ग स्किप करके गुलमर्ग जा सकते हैं. गुलमर्ग में आपको बहुत सारे कम्फर्ट्स मिलेंगे मेरे ख्याल से, तो सोनमर्ग स्किप भी किया जा सकता है. स्लेजिंग मेरे ख्याल से बच्चों के लिए इट्स अ नो क्योंकि नंबर वन इट्स वेरी कॉस्टली एंड आई डोंट फाइंड अ पॉइंट इन डूइंग स्लेजिंग. हमने हालांकि ट्राई किया एंड आई डिड नॉट फाइंड इट वेरी प्लेजेंट. मेरे लिए अच्छा था पर मेरे बच्चे के लिए आई थिंक इट वॉज लिटिल टू डिफिकल्ट. सो ये थी मेरी टिप्स आपके लिए. आई होप आपको ये टिप्स यूजफुल लगी होंगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज लाइक भी करना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली क्योंकि इसमें बहुत सारे टिप्स हैं जो शायद उनके काम आ सके. नोटिफिकेशन बटन प्लीज ऑन कर दो क्योंकि अगर आपने नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दिया तो जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी. आपसे बात करके हर बार बहुत अच्छा लगता है. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.